हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पूनम्स किचन। आज हम सिर्फ 15 मिनट में बनके रेडी हो जाए ऐसा बिना प्याज और लहसुन के पुलाव और कढ़ी बनाएंगे। एक बार ये पुलाव और कढ़ी मेरे तरीके से बना के तो देखिए, सभी को बहुत ही पसंद आएगा। तो आज की ये नई रेसिपी शुरू करते हैं। कढ़ाई में एक टेबलस्पून तेल डालेंगे, एक टेबलस्पून देसी घी। तेल और घी गरम हो रहा है तभी हम इसमें खड़ा मसाला डालेंगे। दो छोटा टुकड़ा दालचीनी का, तीन लौंग और तीन हरी इलायची को ऊपर से खोल के लिया है। लो मीडियम फ्लेम पे खड़ा मसाला को लाइटली भुनेंगे। एक टेबलस्पून किशमिश डालेंगे, एक टेबलस्पून काजू का टुकड़ा डालेंगे। लो मीडियम फ्लेम पे किशमिश थोड़ी फूल जाएगी और काजू थोड़ा लाइट ब्राउन हो जाएगा, तब तक इसे भुनेंगे। किशमिश अच्छे से फूल गई है और काजू लाइट ब्राउन हो गया है। एक कप मिक्स वेजिटेबल्स लिया है, इसमें बीन्स, गाजर, मटर और गोभी है। आधा कप ब्रोकली का फूल लिया है, ये ऑप्शनल है, आपके पास है तो डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। आपको इसमें आलू डालना है तो गोभी डाल सकते हैं, और सब्जियां आपके पास जो कोई भी अवेलेबल हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। इसे मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया है। एक टीस्पून हरी मिर्ची की पेस्ट डालेंगे, एक टीस्पून अदरक की पेस्ट, अच्छे से चला लेंगे और 1 मिनट के लिए इसे भुनेंगे। एक कप बासमती चावल को पानी से अच्छे से धो के आधे घंटे के लिए भिगो के रखा था, ये चावल डाल देंगे। 1.5 टीस्पून नमक डालेंगे, या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून चीनी, हल्के हाथ से चला के मिक्स करेंगे। हमने इसमें 1/2 टीस्पून चीनी डाली है तो इससे बिल्कुल भी पुलाव मीठा नहीं बनेगा, बल्कि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। मीडियम फ्लेम पे हल्के हाथ से चला के चावल को 2 मिनट के लिए भुनेंगे। चावल का दाना टूटना नहीं चाहिए। 1 कप चावल लिया है तो 2 कप पानी डालेंगे। ढक्कन लगा के लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। पुलाव कुक हो रहा है तब तक हम कढ़ी बना लेंगे। 1 कप मीडियम खट्टा दही लिया है, इसे बाउल में डालेंगे। 2 टेबलस्पून बेसन डालेंगे, 1/2 टीस्पून हरी मिर्ची की पेस्ट डालेंगे, 1/2 टीस्पून अदरक की पेस्ट। मथनी से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। दही वाले कप में ही पानी लिया है, ये 1 कप पानी डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। दही की और बेसन की गुठलियां नहीं रहनी चाहिए। 1/2 कप पानी और डालेंगे। कढ़ी का गोल बनके रेडी हो गया है। पुलाव को 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक किया है। पुलाव में थोड़ा सा पानी अभी भी है, ये पानी सूख जाएगा तब तक हम इसे लो मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। पुलाव को और 2 मिनट के लिए कुक किया है, पुलाव का पानी जल गया है, एकदम हल्के हाथ से चलाएंगे। गैस ऑफ करेंगे, पुलाव रेडी है। ढक्कन लगा के 5 से 10 मिनट रखेंगे, बाद में पुलाव को सर्व करेंगे। कढ़ी बनाएंगे। कढ़ी का गोल हमने बनाया है, इसे हम कढ़ाई में डाल देंगे। इसे पहले अच्छे से चला लेंगे। 1/2 कप पानी बाउल में डाल के ले लिया है, ये भी डाल देंगे। 1 टेबलस्पून चीनी डालेंगे, 1 टीस्पून नमक, या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम पे लगातार चला के कढ़ी में एक उबाल आ जाए तब तक इसे कुक करेंगे। कढ़ी को बिल्कुल भी ऐसे नहीं छोड़ना है, नहीं तो दही फट जाएगा। कढ़ी बनाने के लिए अगर आप छाछ ले रहे हैं तो 500 ml छाछ आपको ले लेना है, और इसमें 1/2 कप ही पानी डालना है। कढ़ी में एक उबाल आ गया है, गैस की फ्लेम धीमी कर लेंगे और धीमी आंच पे इसे 7 से 8 मिनट के लिए उबालेंगे। कढ़ी के लिए तड़का रेडी करेंगे। तड़का पैन में 1 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे, 2 लौंग, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का और 2 हरी इलायची को ऊपर से खोल के लिया है, ये डाल देंगे। 1 टीस्पून जीरा, जीरा को लाइट ब्राउन भुनेंगे। 10 से 12 मेथी दाना, 2 पिंच हींग, 2 सूखी लाल मिर्च डालेंगे, 1 स्ट्रिप करी पत्ता। गैस ऑफ कर देंगे और ये तड़का कढ़ी में डालेंगे। ये तड़का डाल देंगे, 2 मिनट धीमी आंच पे कढ़ी को उबालेंगे ताकि तड़के का फ्लेवर बहुत ही अच्छा कढ़ी में आ जाएगा। गैस ऑफ करेंगे। 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। बहुत ही टेस्टी दही की कढ़ी बनके रेडी हो गई है। पुलाव को हल्के हाथ से चलाएंगे, आप देख सकते हैं पुलाव एकदम खिला खिला बना है। पुलाव और कढ़ी बनके रेडी हो गया है और ये बहुत ही टेस्टी बना है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं ऐसी और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।